शेयर बाजार के निवेशकों का एक बार फिर स्वागत है हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव और आप देख रहे हैं zbusiness.com। बीते हफ्ते शेयर बाजार में बढ़िया एक्शन देखने को मिला, कई शेयर चढ़े तो कई शेयर टूटे। अब ब्रोकरेज कंपनियों ने किन शेयरों पर अपनी राय दी है, आइए जानते हैं। ये पहला स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज, नोमुरा और मॉर्गन स्टेनली ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 2400 रुपये, 2110 रुपये और 2250 रुपये। ये दूसरा स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी मैक्वायरी, गोल्डमैन सैक्स और शेयर खान ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 2110 रुपये, 2051 रुपये और 2100 रुपये। ये तीसरा स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी सिटी, CLSA और मॉर्गन स्टेनली ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 3175 रुपये, 3240 रुपये और 2935 रुपये। ये चौथा स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी JP Morgan और नोमुरा ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 780 रुपये और 800 रुपये। ये पांचवा और आखिरी स्टॉक, इस पर ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा और शेयर खान ने अपनी राय दी है और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो है 875 रुपये और 1010 रुपये। तो ये थे बीते हफ्ते के वो स्टॉक्स जिन पर ब्रोकरेज कंपनियों ने अपनी राय दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं इन पांचों स्टॉक्स में से आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया।